वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं करने वाला हूँ थंबनेल एडिटिंग। आप लोग अगर मनोज दे को फॉलो करते हो, मनोज दे का वीडियो देखते हो, तो मनोज पता ही होगा कि मनोज दे आजकल कुछ अलग सा थंबनेल बना रहा है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं सिखाने वाला हूँ कैसे आप इस तरह का थंबनेल बना सकते हो बहुत ही इजी तरीके से पिक्सेल अप ऐप के माध्यम से। तो वीडियो काफी इंटरेस्ट होने वाला, वीडियो को जरूर लास्ट वाला वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ पिक्सेल ऐप के अंदर और वीडियो को अच्छे से देखना तो भी अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर कोने में थ्री डॉट, तो थ्री डॉट में चले जाना। थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा एमएस साइज का ऑप्शन, तो एमएस साइज में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर मिलेगा कस्टम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद इसको कर देना है यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल करने के बाद कर देना है ओके। तो नीचे ओके का ऑप्शन है तो ओके कर देना है। फिर ओके करने के बाद जो हमारा जो फ्रेम है वो यूट्यूब थंबनेल की जैसा फ्रेम हो जाएगा, ठीक। तो इतना करने के बाद चले जाना है इस वाले ऑप्शन में चले जाना है। फिर यहाँ पर मिलेगा कलर में ऑप्शन, तो कलर में क्लिक करना है। और कलर में जैसे ही क्लिक करोगे बहुत कलर आ जाएगा, आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ, तो ग्रीन कलर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने ग्रीन कलर को चूज कर लिया। फिर कर देना ओके। तो इतना करने के बाद यहाँ पर चले जाना है, फिर इस वाले टूल्स में चले जाना है यहाँ पर, फिर और यहाँ पर इसको कर देना है इनेबल। तो इसको जैसे ही इनेबल करेंगे कुछ ऐसा आएगा, तो इसको अपने हिसाब से रख देना है। फिर ओपासिटी को थोड़ा सा कम कर देना, मतलब कमी कर देना, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको कर देना डन। तो इतना करने के बाद चले जाना है इस वाले टूल्स में और यहाँ पर मिलेगा शेप्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर शेप्स में क्लिक कर देना है। और शेप्स में क्लिक करने के बाद एक शेप्स ले लेना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, फिर मिडिल में लगा देना है अच्छे से। तो इसको वर्क करने के बाद डन, तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है, फिर यहाँ पर मिडिल में ठीक से लगा देना है। और थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, मोटा भी कर सकते हो, अपने जैसा आप थंबनेल चाहिए जैसे आपको। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, फिर यहाँ पर इसको ठीक से एडजस्ट करके डन कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद चले जाना है प्लस के आइकन में चले जाना है। प्लस में जाने के बाद अब फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो फ्रॉम गैलरी में चले जाना है और एक PNG ऐड करना पड़ेगा। अगर PNG को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस PNG को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। फिर यहाँ लेयर को, पहला लेयर को मैं लॉक करता हूँ जैसे कि वो हिले नहीं तो अच्छा होगा। तो इसको यहाँ पर रोटेट कर देंगे 180 डिग्री में, नहीं 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री में इसको रोटेट कर देंगे। फिर यहाँ पर उस साइड में अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर यहाँ पर इसको अच्छे से लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, फिर कर देना डन। तो डन करने के बाद इसको भी कर देना लॉक। इतना करने के बाद फिर से चला जाना है ऐड के आइकॉन में। ऐड में जाने के बाद जो मॉडल का कार्ड आउट है, मतलब आपका जो पिक आप ऐड करोगे तो उस पिक को ले लेना है। तो यहाँ पर पिक का कार्ड आउट पहले से बना के रखना तभी अच्छा होगा, बाद में बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कटआउट को ठीक इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं जैसे कि अच्छा लगे, ठीक से आप भी एडजस्ट कर लेना है, ठीक। इसको यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो एडजस्ट करने के बाद इसका जो इसको इनेबल करेंगे तो साइड में थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट आएगा तो अच्छा लगेगा। फिर इसको कर देना डन और इस लेयर को भी कर देना लॉक। तो इतना करने के बाद फिर से चला जाना है ऐड के आइकॉन में, प्लस के आइकॉन में। प्लस में जाने के बाद यहाँ पर पहले ही ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में चले जाना है। फिर यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हो, जिस टाइप का आपका वीडियो है, जिस कैटेगरी का आपका वीडियो है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले मनोज दे, तो यहाँ पर मैंने मनोज दे टाइप कर दिया, फिर कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर चले जाना ए में। ए में जाने के बाद यहाँ पर कलर मिलेगा, तो इसका कलर को चेंज कर सकते हो, आप कोई भी कलर को यहाँ पर रख सकते हो, बहुत सारा कलर है। तो मैं यहाँ पर येलो में कलर को चूज कर लेता हूँ। फिर नीचे चले जाना है, नीचे मिलेगा फ्रंट, तो फ्रंट जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारा फ्रंट मिल जाएगा, आप कोई भी रख सकते हो। मैंने इसको इसके फ्रंट रख दिया, फिर यहाँ पर इसको लगा देना है, फिर इसका साइज को बड़ा कर देना है, ठीक। तो अपने हिसाब से आप जितना साइज रख सकते हो उतना साइज रख सकते हो यहाँ पर।
और इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी आपका जो कैटेगरी का वीडियो है वो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर ठीक से एडजस्ट कर सकते हो। तो वीडियो लंबा आ जाएगा इसलिए मैंने फास्ट कर दिया वीडियो को, आप अपने वीडियो का कैटेगरी हिसाब से लिख लेना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मनोज दे जैसा थंबनेल कैसे बनाए। ठीक, तो इतना करने के बाद कर देना डन, और एक PNG ऐड करना पड़ेगा जो कि YouTube का लोगो का PNG है। तो ये PNG का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो। तो यहाँ पर मैंने इसको PNG को ऐड करना है, फिर नीचे की तरफ से लगा देना है, तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल लगता है। तो इसको यहाँ पर ठीक से लगा देना है, फिर इसका जो शैडो है शैडो को इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर नीचे चले जाना है, शैडो को इनेबल कर देते हैं। तो आप देखो हमारा जो थंबनेल इतना प्रोफेशनल तरीके से रेडी हो चुका मनोज जैसा। तो इसको भी कर देना है लॉक। तो यहाँ पर ये थंबनेल तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप सेव करने के लिए चले जाना है सेव के आइकन में, सेव एज इमेज में क्लिक करना है, फिर सेव एज इमेज में जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर डिफॉल्ट होगा, तो डिफॉल्ट को अल्ट्रा कर देना है, फिर सेव कर देना है सिंपली। तो यहाँ पर इसको अल्ट्रा कर देंगे, फिर ऊपर में सेव टू इमेज है, तो वहाँ पर जाके सेव कर देना है फोटो को। तो मेरा ये फोटो सेव हो रहा है गैलरी पर, तो ये गैलरी पे सेव हो गया, और देखो कैसा लग रहा है मेरा थंबनेल। Anybody out there hear me?